हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि तीन ऐसे सवाल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जिसके बदौलत आप आराम से जान पाएंगे कि आपका पार्टनर आपको कितना ज़्यादा प्यार करता है। ये तीनों सवाल साइकोलॉजी के बेस पे हैं। कई लोग रिश्ते में नाटक करते हैं कि झूठा झूठा बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वही क्लियर करने के लिए मैं आपको इस तीन सवाल बताने वाला हूँ। अगर सामने वाले पार्टनर को पूछ दिए तो वो कैसा जवाब देता है वो मैं वीडियो में बताऊंगा। अगर वैसा जवाब देता है तो समझ लीजिए वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है। तो उसमें नंबर तीन पे जो सवाल है वो है, आपके पास अंतिम 24 घंटे हो तो मेरे साथ आप क्या करना चाहोगे। यानी कि आखिरी आपको 24 घंटे मिल जाए जिंदगी के तो मेरे साथ आप क्या चाहोगे। दोस्तों, इस सवाल के कई कमाल कमाल के जवाब हो सकते हैं, लेकिन कौन सा जवाब आपको मिलना चाहिए और उसके आसपास जवाब मिले तो ज़्यादा अच्छा है। तो एक्यूरेट आंसर यह है कि मैं अगर 24 घंटे मुझे आखिरी मिलेंगे तो मैं आपकी गोद में अपना दम तोड़ना चाहूँगी या तो फिर चाहूँगा। दोस्तों, इस सवाल में खास बात यह है कि आपको ये बोलना ही है कि आपके पास अंतिम 24 घंटे हो तो क्या करना चाहोगे, उतना नहीं बोलना है मेरे साथ। ये आपको हाईलाइट करना है कि मेरे साथ आप क्या करना चाहोगे। इसके कई अलग अलग जवाब हो सकते हैं। कोई कहता है कि मैं सबको मिलना चाहूँगी या चाहूँगा, मैं आपके साथ अच्छे से अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहूँगा, पूरी ज़िंदगी में ऐसा टाइम मैंने बिताया ना हो वैसा टाइम बिताना चाहूँगा, घूमना चाहूँगा। कई तो ऐसे भी हो सकते हैं, फिजिकल होना चाहूँगा, किस करना चाहूँगा, आपके साथ ऐसे टाइम स्पेंड करना चाहूँगा जो दुनिया से ज़्यादा अलग हो। ऐसे कई तरह के जवाब हो सकते हैं, ये भी अच्छे जवाब है। लेकिन कोई आपसे बेहद मोहब्बत करता है, बेहद ज़्यादा प्यार करता है, तो उसका एक्यूरेट जवाब तो यही होगा कि आपकी गोद में मैं दम तोड़ना चाहूँगा या तो फिर चाहूँगी। अब नंबर दो पे जो सवाल है वो बेहद ही इंटरेस्टिंग है। उसमें आप पूछोगे कि आप मुझसे क्यों प्यार करते हो, यानी कि आपकी वजह क्या है मुझे प्यार करने की। तो दोस्तों, ये बहुत ही अलग तरह का इसका जवाब हो सकता है। यहाँ पे आपने वजह पूछी तो कोई ना कोई वजह सामने वाला देगा, लेकिन एक्यूरेट इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका जवाब क्या होना चाहिए। सामने वाला कहेगा कि पता नहीं। हाँ दोस्तों, इसमें आप वजह पूछ रहे हो लेकिन सामने वाला कह रहा है पता नहीं, तो समझ लीजिए ये आपको बेहद ही प्यार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पूछते हैं कि आप क्यों प्यार करते, तो वो कोई ना कोई वजह देता है कि नहीं, मैंने पहली बार देखा था तो ऐसा लगा था, नहीं मैं इस वजह से आपको प्यार करता हूँ, इस वजह से प्यार करता हूँ। लेकिन कोई आपको बेहद ज़्यादा प्यार करता है तो वो कहेगा कि पता नहीं, बस प्यार हो गया है, प्यार तो होने का नाम है। तो दोस्तों, पता नहीं यहाँ पे क्यों एक्यूरेट आंसर है, क्योंकि इसकी कोई वजह नहीं है प्यार करने की आपके साथ। अगर कोई वजह है तो वो वजह अगर कल को चेंज हो गई तो उनका प्यार भी ऊपर नीचे हो सकता है, चेंज हो सकता है। इसीलिए पता नहीं इसका बहुत ही अच्छा आंसर है। अब आखिरी इस वीडियो का जो सवाल है, यानी कि नंबर वन पे जो सवाल है वो है, अगर आपकी फैमिली आपकी शादी किसी और से कराए तो क्या करोगे। हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही समझने लायक सवाल है। इसका एक्यूरेट एक्चुअल आंसर ये होना चाहिए, इतनी किसी में हिम्मत नहीं। दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये पूछा गया कि क्या आपकी शादी फैमिली वाले कहीं और पे करा दे तो आप क्या करोगे। तो हो सकता है कि उनके संबंध के वजह से कहीं पे हो भी सकती है, लेकिन आपका पार्टनर आपको क्या जवाब दे रहा है, इतनी किसी में हिम्मत नहीं। हिम्मत नहीं यानी कि आपके पार्टनर में उतनी ज़्यादा हिम्मत है कि वो कोई उनके सामने आकर उनकी शादी करा नहीं सकता। तो दोस्तों, ये भी बहुत ही बड़ी खास बात है, उनमें हिम्मत होना ये बेहद प्यार बताता है। तो दोस्तों, ये थे तीन ऐसे साइकोलॉजिकल सवाल जो अगर सामने वाले पार्टनर को आप पूछेंगे तो आपको सच्चे प्यार के बारे में, वो कितना प्यार करता है उसके बारे में आपको पता चलेगा, और आपको भी पता चलेगा इन रिलेशनशिप में कहाँ तक हम जा सकते हैं, फ्यूचर में इसका कहाँ तक स्कोप है। हाँ दोस्तों, स्कोप है, क्योंकि सामने वाला जो जवाब देगा उसके बदौलत आप जान पाएंगे कि उसका इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर। इसी वजह से आप इस रिलेशनशिप को एक अच्छा मोड दे पाएंगे। दोस्तों, वीडियो के एंडिंग में एक बहुत ही खास बात, इस वीडियो को शेयर करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी प्यार में है, क्योंकि उनको भी पता चले सामने वाला पार्टनर क्या चाहता है उनसे, तो आसानी होगी रिलेशनशिप में रहने के लिए। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे जिए बिए फरहांजा मजनू लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं पढ़ना चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।